मंदसौर श्री कोल चौराहे एवं जनता कॉलोनी के पीछे नाले पर भू माफियाओं द्वारा भराव कर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि कमलेश जैन ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर इस तरह कुछ भू माफिया इस तरह कब्जा कर रहे हैं। इससे पहले भी मंदसौर नरसिंहपुरा नाले पर भी कॉलोनाइजरों ने अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनी का निर्माण कर दिया था एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर पर भी अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन के ऊपर कुछ नेताओं द्वारा दबाव बनाया गया था एवं बताया गया कि मंदसौर जनता कॉलोनी के पीछे नाले पर भी माफियाओं द्वारा भराव करने का कार्य किया जा रहा है और आरोप लगाया कि यहां पर मॉल या नर्सिंग होम बन सकता है। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मंदसौर नगर पालिका के जलकर सभापति नीलेश जैन द्वारा मौके पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से भराव जो कर रखा था उसको हटवाने की कार्यवाही की गई। डंपर एवं ट्रैक्टर ट्रॉली में भरवा कर अन्य जगह उसे फेंकवाया गया है। नाले पर कुछ लोगों ने भराव कर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, क्या कहना है? देखिए, हमारा वार्ड स्थित श्रीकोल से लेकर नया बजे तक जो नाला जा रहा है, यह नाला वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 8 के बीच का नाला है। इसके ऊपर विगत कई दिनों से अतिक्रमण करने की सूचना हमें मिल रही थी कि यहाँ पर रात को बहुत से लोग भराव आकर डाल जाते हैं, तो हमें मीडिया के मार्फत ये सूचना मिली थी। आज हमारी नगर पालिका की टीम को बुलाकर यहाँ पर जितना भी इन्होंने अतिक्रमण करा है और जो भराव डाल रखा है उस भराव को हम वापस से जेसीबी के माध्यम से यहाँ से हटा रहे हैं। था देखने में आ रहा माफिया द्वारा सरकारी नालों पर कब्जा किया जा रहा है, इस तरह भी यहाँ पर जो है भराव किया जा रहा है, इस नाले पर क्या? देखिए, इस नाले से पहले मैं आपको एक दो घटनाएं पूर्व की मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें मीडिया ने नरसिंह घाट नाले पे प्रमुखता से और मंदसौर की सारी मीडिया ने पूरा मामले को हाईलाइट किया। वहाँ पे जांच के नाम पे नगरपालिका और राजस्व विभाग ने अपना खेल खेला, लेकिन आज तक उस नाले में जो भराव भरा था वो हटाया नहीं गया और कॉलोनाइजर की दबंगताई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दादागिरी और गुंडागिरी की वजह से वो नाला धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ऐसा ही एक प्रकरण मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि शहर के मध्यस्थ गणपति चौक में लक्ष्मण मंदिर के बाहर का मामला है, जिसमें नगरपालिका ने दो बार अतिक्रमण हटाने के लिए आर्डर किए, लेकिन हमारे पूर्व विधायक की का आशीर्वाद उन अतिक्रमणकर्ताओं के ऊपर था, इसलिए वो अतिक्रमण नहीं हटा और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुछ दुकानदारों को स्टे मिला और कुछ को नहीं मिला, फिर भी वो अतिक्रमण नहीं हटा। इसी तरह अब इस जनता कॉलोनी के पीछे वाले नाले को भरने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ नर्सिंग होम बन जाए या कोई मॉल बन जाए, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरह माफियाओं के संग है। राजस्व विभाग नगर पालिका में इन भूमाफियाओं से मिलकर एक बंदरबाड़ चल रही है, जिससे कि आने वाले समय में मंदसौर डूब की ओर बढ़ता जा रहा है।